चीन में कोरोना के बाद शुरू हुई एक नई रहस्यमय बीमारी ने दुनिया में कई देशों में डर का माहौल बना दिया है। इस बीमारी ने बच्चों पर ज़्यादा असर डाला है। बता दें कि चीन में उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियोनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार भी दिखाई दे रहे हैं। सरकार कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दे चुकी है। भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना जैसी गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दे दी है। हालांकि यह भी कहा गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस नियमों का पालन करते रहें। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 नवंबर को एक बयान में भी कहा है कि हम चीन में फैल रही नई बीमारी के खतरे को देखते हुए देश के सभी हिस्सों में बारीकी से नजर रखे रहे हैं। यह रहस्यमय प्रकोप निमोनिया से मिलता जुलता है, इसलिए कई लोग इसे रहस्यमय निमोनिया भी कह रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कुछ बंद होने की कगार पर हैं। इस रहस्यमय निमोनिया बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें बच्चों को बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो रही है। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाओं की मदद से निमोनिया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी में बच्चों के स्वास्थ्य में कई सुधार नहीं दिख रहे हैं। WHO भी चीन में फैल रही इस बीमारी पर चेतावनी जारी कर चुका है। अगर निमोनिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना है। लेकिन अगर चीन में फैले इस रहस्यमय निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन शामिल है। इस संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को कुछ हफ्तों से लेकर एक महीने का भी समय लग सकता है। इस खतरनाक निमोनिया वायरस से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि माता पिता बच्चों के खान पीन और इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें। बच्चों की डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी होगा जिसमें उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहे और वह इस खतरनाक संक्रमण से लड़ सके। इसके अलावा ज़रूरी है कि घर में साफ सफाई रखें और बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोके। आपके बच्चों को भी बार बार हाथ धोना चाहिए। ये उपाय अन्य संक्रमणों को रोकने में भी मदद कर सकता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।